हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, आप लोगों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज का जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ मैं, इस पर हम लोग बात करेंगे आईवी एस सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड एमटीएस का। जो भी रिसेंटली में एग्ज़ाम हुआ है, 23 मार्च और 24 मार्च को जो एग्ज़ाम हुआ है, कई सारे शिफ्टों में एग्ज़ाम चला है, तो उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं आज कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है, कितने नंबर तक का गुड अटेम्प्ट क्या हुआ। मैं खुद एग्ज़ाम दिया हुआ था, ठीक है, आप लोग को। मैं जब एग्ज़ाम दिया था अपना रिव्यू डाला था, माई अपना एग्ज़ाम का जो एनालिसिस था, रिव्यू था, उसको हमने यूट्यूब पे डाला था, आप लोगों ने देखा, ठीक है। सबसे पहले तो आप मेरे बारे में शॉर्ट इन्फॉर्मेशन में जान लीजिए। मेरा नाम संतोष यादव है और मैं केंद्रीय विद्यालय में एज ए कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर अप्रॉक्स 2 ईयर हो गया मैं वर्क कर रहा हूँ, और अभी मेरा रेलवे में भी सब कुछ हो गया, ज्वाइनिंग आना बाकी है, ठीक है। तो मैं जो भी बातें आप लोगों को बताऊंगा, पहली बात तो मतलब एक रियल जो एक कैंडिडेट एग्ज़ाम को फेस कर रहा है, क्या स्ट्रेटजी है, क्या रणनीति, उसके अकॉर्डिंग ही बताऊंगा। तो जो भी मैं बात बताऊंगा, अपना खुद का एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ, क्या वो सत्य हो सकता, नहीं हो सकता, वो डजेंट मैटर, ठीक है। तो सबसे पहले जो आईबी एसए और एमटीएस का एग्ज़ाम हुआ था, पेपर का जो लेवल था, आपको पहले बता दूं कि जो लोग कह रहे हैं कट ऑफ बहुत हाई जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं, कट ऑफ हाई नहीं जाएगा। इसलिए नहीं जाएगा कि मैं खुद एग्ज़ाम में दिया हूँ और मैं अभी सीजीएल मेंस भी देकर आया हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैं बता सकता हूँ कट ऑफ ज़्यादा बहुत ज़्यादा जाने वाला नहीं है। इसके इस चक्कर में आप ऐसा नहीं कि आप सेकेंड स्टेज टाइपिंग, अरे सेकेंड स्टेज आपका जो डिस्क्रिप्टिव है उसको लिखना, जो ट्रांसलेट करना हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, उसको अभी से करना शुरू कर दीजिए, इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि कट ऑफ बहुत कम जाने वाला। जैसे देखिए, मैथ का जो लेवल था, जो बहुत अच्छे बच्चे होंगे उनके भी 4-5 क्वेश्चन मैथ के ऑटोमेटिक छूट गए, क्योंकि मेरा खुद, मैं सिर्फ 15 क्वेश्चन मैथ का कर पाया, बहुत कैलकुलेटिव मैथ दिया था, ठीक। रीजनिंग में भी 2 से 3 4 क्वेश्चन रीजनिंग के भी लोगों के छूटे ही होंगे, जो अच्छे बच्चे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो ऑन एवरेज बच्चे होंगे उनके भी 2 4 5 क्वेश्चन और बढ़ा लीजिए। जीएस थोड़े मॉडरेट थे, बट करेंट अफेयर्स का लेवल हाई था, बहुत पुराना करेंट अफेयर्स पूछ लिया था, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड का मतलब ये नहीं हम कह सकते कि 50 नंबर ही जाएगा, 45 जाएगा, लेकिन ऑन एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ। इंग्लिश का भी लेवल ठीक ठाक था, लेंदी क्वेश्चन थे, जो पी क्यू आर एस सेट करने वाले थे वो लेंदी लेंदी थे क्वेश्चन, इंग्लिश के भी लेंदी थे, ऐसा नहीं, सीजीएल से भी मेरे को इंग्लिश लेंदी लगा इसका, ठीक है। तो जो इसका इस एक्सपेक्टेड कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूँ, अगर जो भी बच्चे आपको लग रहा है कि 50+, मतलब 50 से लेकर 55 के रेंज में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो आपको नेक्स्ट स्टेज के लिए कॉल जरूर आएगा, चाहे आप जनरल हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, कैटेगरी वाइज मैं बात नहीं करूँगा, ठीक है। तो और जिनके 60 से 65 के बीच में, तो वो एकदम गारंटी, उनको मान लीजिए कि उनका एकदम फिक्स 100% वो अभी भी सेकेंड स्टेज पर लग जाए। मेरा ऑलरेडी मैं 70+ का एक्सपेक्ट रखा हूँ, 70+ तो मेरे आने चाहिए, ठीक है। अब देखिए आते कितने हैं, ठीक है, 70+ का एक्सपेक्ट मैं किया हूँ, देखिए आता है कितना। जब आएगा तो मैं आप लोगों के बीच में अपना स्कोर शेयर करूँगा। तो दोस्तों, अभी भी आपके पास टाइम है, मैं एक खुद रियल कैंडिडेट हूँ, अपनी फीलिंग आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। क्या आपको लगता है, अगर आपकी कुछ राय है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कितने जाने के मतलब उम्मीद है कट ऑफ का। तो 55+ वाले आप रेडी हो जाइए, अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए, और ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिलेंगे, ठीक है। चलिए, अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से इसके रिगार्डिंग बात करूँगा, ओके। और जो भी आप लोगों को इसमें डाउट लगे तो आप मेरे को ज़रूर बताइएगा। हाँ, और हाँ दोस्तों, आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं थोड़ा आप लोगों को थोड़ा थोड़ा वीडियो बनाकर देता रहता हूँ, तो प्लीज़ पहले चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अभी मैं KBS से रिलेटेड भी वीडियो बनाऊँगा, ठीक है, तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको अगर कुछ अलग लगता है तो आप भी अपनी बात को ज़रूर बताइएगा, जिससे मुझे भी पता चले कि रियल में क्या जा सकता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ओके।